with name-on-the-head chairman, sir, SVC, VC, and managing committee, Ma'am Ram, Mere Aziz, Ma'am Ram, and Moses, Ma'am Ram, Bhaiyo of Dhanam. कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करो और जरा नजर जो मिले तो सलाम करो। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए कहां से छेड़ में फंसाना, कहां का मन। मैं जब इस मंसब पे आया तो तीन ऑब्जेक्टिव्स मैंने मकासद आप लोगों के सामने पेश किए, जिसका बुनियादी मकसद आप लोगों को आगे लेके जाना, ना सिर्फ कल के इस आपके इंडस्ट्रीज को दुनिया में एक पहचान देनी। मैदान का 10 times से ग्रोथ पापाम से मैदान को फैसिलिट करना, ज्वाइंट वेंचर और टेक्निकल एग्रीमेंट में फॉरेन कंपनीज के साथ, पापाम अपने मैदान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी बनाने में मदद करना। मैं चाहूंगा इन मकासद के लिए जो इकदाम हमने उठाए आपके साथ मुख्तसरन पेश करूं। लोकल आफ्टर मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने के लिए हमने स्मगलिंग, इलीगल इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी को बेहतर बनाने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के इदारों के साथ मुलाकात की और उनमें से कुछ आइटम्स की वैल्यूएशन को बेहतर किया गया ताकि हमारे बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज। हमने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के साथ भी रबते किए और आज मुझे खुशी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारे मेहमान पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के जरिए सारे इस महीने के आखिरी शुरू में एग्जीबिशन जर्मनी के अंदर उस मोनाका दो रेस में शिरकत कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के पापाम के मेंबर शामिल। हमने कोशिश की ओईएम के साथ मिलकर आने वाले मॉडल्स में ज्यादा ज्यादा लोकलाइजेशन की जा सके। इस सिलसिले में मैं फारूक भाई, मकसूद रहमानी साहब का, तारिक अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इन्होंने मुझे सपोर्ट की और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि हमारे नए चेयरमैन के साथ, नए मैनेजमेंट कमेटी के साथ आप लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने न्यू इंटेंट के साथ भी रास्ते बढ़ाए और इनको पापाम ऑफिस में दावत दी ताकि हमारे मैनगान के रास्ते बढ़ सके और अब तक की लोकलाइजेशन का लेवल उनके साथ डिस्कस किया ताकि वो अपने प्लान को में उसका हिस्सा बन सके। हमने ओईएम और न्यू ट्रेड के साथ ये भी मशवरा किया कि न्यू टेक्नोलॉजी के जो पार्ट्स हैं उसमें हमारे मेहमान को जेडी और टीए में आप मदद करें और अपनी पॉलिसीज में, सर प्लीज अपनी पॉलिसीज में ऐसे रिस्क को मौका दें ताकि वो आपके साथ आपके मजबूत साथी बन सके। इस सिलसिले में हमने इंटरनेशनल एसोसिएशन के साथ भी रबते किए जिनमें चाइना, थाईलैंड, ईरान, तुर्की जैसे सारे फेरिस हैं। इन सब के लिए आई रियली अप्रिशिएट सम ऑल फॉरेन कॉन्सुलेट्स, जर्नल्स, कमर्शियल अटैचेस, आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू वेरी मच। आज पापा को ये इज्जत मिली एज एसोसिएशन कि हमने पाकिस्तान आकर शो 2017 ऑर्गेनाइज किया था और इस शो में मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एज एसोसिएशन इंटरनेशनल 70+ एग्जीबिटर को मंजूर किया शो में। और ना सिर्फ अपने पैक्स को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, इस साल इंशाल्लाह पैक्स का भी 18th लाहौर में मुनक्कद की जा रही है। हम सब की दुआ है कि वो इस शो से भी ज्यादा कामयाबी हासिल कर सके। पापाम ने
परफॉर्मेंस के डेवलपमेंट सेंटर की मदद से 81 सेमिनार और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, जिसमें तकरीबन 2500 लोगों ने शिरकत हासिल की और इल्म हासिल किया। और ये लोग अपने प्लांट में, अपनी फैक्ट्रियों में जाकर अपनी टीम को उन्होंने उसको ट्रांसफर किया। पापाउन स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च रिपोर्ट तैयार की, जो ऑटो पार्ट्स का पोटेंशियल दिखाती है, और ये रिपोर्ट हमारी papaun.com में मौजूद है, और ये इंशाल्लाह ताला हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए एक मुस्बत किरदार है। इसके साथ साथ हमने यूनिवर्सिटीज के साथ अपना एडवाइजर क्रिएट किया और उनको अपनी इंडस्ट्रीज दिखलाई, जिसका बुनियादी मकसद हमेशा यूनिवर्सिटीज के साथ, उनकी फैकल्टी के साथ जब भी मिला, मैंने एक ही बात कही कि हमारे प्रोसेस की ऑटोमेशन में आप एक अहम रोल प्ले कर सकते। मैं आज तमाम यूनिवर्सिटीज का, उनकी फैकल्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनमें एनएडी, सर सैयद, नर्स उस्मान इंस्टीट्यूट जैसे यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। हमने सिमिडा और कॉलेज जैसे इदारे के साथ भी एमओयू साइन किए, ताकि इनके एक्सपर्ट्स जापानीज लॉयर एक्सपर्ट्स पाकिस्तान आए और हमारे मेंबरों को नॉलेज ट्रांसफर कर सकें। हमने बहुत कोशिश की और इंशाल्लाह हमारे नए चरण की बदौलत मैं इंशाल्लाह यहाँ पे कहूंगा कि पापा अपना वोकेशनल सेंटर भी इंशाल्लाह बनाए। ये वो बाहर चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट भी एक अहम रोल प्ले कर रही है। चैनल साहब मेरे लिए उपाय है हमारा वोकेशनल सेंटर डेवलप हम कर सकें। इस पर हमने सिंह कैप्टा के साथ बहुत काम किया है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब इसको कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेशन में इसको फाइनलाइज हम कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमने आईडी के साथ मैनेजमेंट में फैमिली बिजनेस में सेमिनार मुनक्कद किए और इंशाल्लाह ताला फैमिली बिजनेस का सीरीज ऑफ सेमिनार इंशाल्लाह ताला मुनक्कद होंगे आगे चलते, जो कि हमने उनसे बात की। इस फैमिली बिजनेस सेमिनार में मैं अपने तमाम मेंबर से गुजारिश करूंगा कि अपनी नई नस्ल को, लड़कों को, लड़कियों को इस फैमिली बिजनेस सेमिनार में शिरकत कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने चेयरमैन साहब के साथ डिस्कशन की, करना शुरू की आज 6-8 महीने पहले, तो ये फैमिली बिजनेस ग्रो करेगा जब हमारी फैमिली में इन्वॉल्व होगी, और उसके लिए क्या उसके स्टेप्स हैं, किस तरह से होना चाहिए, इसमें आईडी इज अ वेरी एक्सपर्ट और आई होप सो कि आईडी हम इसमें स्पेशली कंसिडर भी करें और हमारे मेंबर्स को स्पेशल उसकी फीस स्ट्रक्चर को भी रिव्यू करें। आज आपकी मौजूदगी में कुछ बात मुझे याद आ गई और कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि मोहतरमा नायब मंत्री साहब आपके सामने पेश करूं। जिस तरह से आप सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी भरपूर तरीके से काम कर रही है, उनमें आपके तीन प्रोजेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी ट्रेनिंग, उसमें मैं चाहूंगा कि पापाउन स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपका पार्टनर बने। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि मैंने लिया और मेरी टीम ने उसको सपोर्ट किया, ये एक एसएमईज के लिए, एक मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें फाइनेंसिंग और हमारे सेक्टर के एसएमईज के लिए मैं चाहूंगा कि आप स्पेशल कोई इसमें कंसल्टेशन दें और हमारे चेयरमैन साहब इंशाल्लाह इसको आपके साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान में पिछले दिनों हमने देखा कि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया और हमारे सूबे सूबे सिंध को ये इजाज हासिल है कि सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे सूबे सिंध में बनाया है, उसमें से एक बिन कासिम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैं चाहूंगा कि हमारे एसएमईज के लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स पे जमीन मिले। इसकी वजह यह है कि ये वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है
जिसमें हमारे एसएमईज की ग्रोथ इमीडिएटली होगी और मैं ये समझता हूँ, पापान भी समझती है कि ये फ्यूचर में एक ऑटो से सिटी इंशाल्लाह बड़ा बन जाए। आखिर में वो चैलेंजेस जो हमने फेस किए और उनको रोका वो मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। पापान ने हमेशा इस तरह के एफटीए पे सख्त रद्द अमल का जाहिर किया जो कि एक यकतरफा और हमें किसी दबाव के तहत मनना है, जिसमें एफटीए थाईलैंड, तुर्की और चाइना शामिल। हमने पहली दफा हुकूमत पाकिस्तान की मदद से, स्पेशली इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की मदद से, गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड और उनके एसोसिएशन के साथ थाईलैंड में जाकर मिली, जिसका मकसद दुनिया में यह था कि हम थाईलैंड एसोसिएशन के आपके पार्ट्स मैन्युफैक्चर को ये बात बता सके कि हमारे मेंबर्स के साथ अब टीयर टू डील है। इस बात पे हमने उनको आगाह किया और उनको मनवाया कि आप हमारे मेंबर्स के साथ इस पे बातचीत करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात जब मैंने आने के बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के साथ शेयर की ताकि वो नेक्स्ट राउंड में इस बात को उठाएं, और मैं उम्मीद करता हूं, तवक्कुल करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी इस बात पे सपोर्ट करे और कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने इस्लामाबाद में इस एक साल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, एफबीआई, इन सब के साथ 12 मुलाकात, और इन सब की मुलाकात में हमने सबसे बड़ा मसला जो हमारी इंडस्ट्रीज का है नंबर वन, वो आरडी का मसला हमने उठाया और उनके साथ पेश किया। इस साल बजट के आने से पहले हमारी जब उनसे मुलाकात हुई तो हमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बजट में हम आरडी को रिड्यूस करें। आज अलहमदुल्ला 3 बजट आ चुके हैं और इन 3 बजट में आरडी 5% से लेकर 32% के करीब पहुंच चुकी है। अल्लाह ही करे ये किस तरह इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। आज मैं ओईएम से कहूंगा कि इसमें हमारे मेंब्रान की मुश्किलात का हल तलाश करें, प्लीज इनकी मदद करें ताकि इस परेशानी से बाहर। अब आखिर में मैं चेयरमैन साहब का, सीनियर वाइस चेयरमैन साहब का, वाइस चेयरमैन साहब का उनकी नई टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नए चेयरमैन अपनी टीम के साथ इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और हमेशा इंडस्ट्री को आगे रखेंगे अपने तमाम तर मफाद से। ये इंडस्ट्री रही तो सर हम, और अगर ये इंडस्ट्री नहीं रही तो हम ये। आखिर में मैं देखिए कमेटी का, अपने सीनियर वाइस चेयरमैन साहब का, अपने वाइस चेयरमैन साहब का, तमाम फॉर्मर चेयरमैन का, और बिलखसूस मेरे वालिद मोहतरम साहब कमरुद्दीन खान साहब का, मेरे बड़े भाई मुजफ्फर अली खान साहब का, मेरी दुल्हन, मेरे बच्चों, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ आपकी खिदमत पे कर सकूं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारी नई मैनेजिंग कमेटी यंग मिस्टर शुजावर साहब, जैन जिशान, एहसन साहब का, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम वो दोस्त जिन्होंने पूरे साल मेरी आवाज बने और मेरी आवाज गवर्नमेंट तक और तमाम अदालत तक पहुंचाई, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ऑटो मार्क मैगजीन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरी मेरा स्टाफ पापा का जो दिन रात मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ काम करता रहा, अरशद साहब, असलम शेख साहब, मुश्तबा कदूस साहब, अनस साहब, नबी बिन तारिक, सबा, ये वो लोग हैं जो बैठे हैं हमारे यहाँ पर शायद नजर नहीं, इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना। आखिर में एक शेर याद आ गया, हमें खबर है कि हम हैं, हमें खबर है कि हम हैं चराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा भी उजाला है। थैंक यू।